यानी टॉक ऑफ द टाउन जब हम कहते हैं तो आप समझ लें इसका मतलब ये होता है कि मोदी साहब का कोई भी दौरा सिर्फ टॉक ऑफ द टाउन नहीं होता, टॉक ऑफ द वर्ल्ड होता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जा रहे हैं, यानी पोलैंड, और पोलैंड से वही लंबी ट्रेन पकड़ के यूक्रेन। वी डोंट नीड योर इंजीनियर्स, टेक देम ऑल एंड पे फॉर देम, वी डोंट नीड देम, यू नो व्हाई? बिकॉज देयर इज अ जीरो टेररिस्ट अटैक्स इन पोलैंड। Why? Because there is no illegal migration in Poland. पोलैंड में आज तक एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ और इसके पीछे कारण यह है कि हमने किसी भी इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले माइग्रेंट को अपने देश में आने की इजाजत नहीं दी। We don't want any illegal migration in Poland. This is what we promised. This is why our government was elected. And not even one Muslim illegal migrant will come to Poland. भारत के मुसलमान जो हैं वो भारत को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो हर तरफ से कुछ ना कुछ आवाजें उठती रहती हैं। अवैसी साहब भी कहते हैं कि जी मोदी जी जो है वो कभी अफ्तार पार्टी नहीं करते, या मुस्लिम जो टोपी पहना करते हैं वो नहीं पहनते, तरह तरह के जो ऑब्जेक्शन चलते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो बाकी हिंदुस्तान है वो भी इस्लामिक स्टेट बन जाए? पोलैंड और इंडिया के बीच काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी एग्रीमेंट्स, एमओयूज साइन किए जाएंगे, ये बताया भी गया। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। हमारे जो बिरादराने वतन हैं, हमारे हिंदू भाई, वो भारत के नक्शे पर एक लेडीज का नक्शा लगाते हैं फोटो, और फिर उसको माता मानकर उसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इबादत करते हैं उसकी। इस्लाम में तो ये है नहीं, इस्लाम में तो सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उसके अलावा किसी की इबादत है नहीं। जहां तक मदरलैंड का मामला है, मदरलैंड अलग चीज है, और मदरलैंड को मदर मानकर उसकी इबादत करना ये बिल्कुल अलग चीज है। मदरलैंड तो हम भी मानते हैं, मादरे वतन कहते हैं हम हिंदुस्तान को, तो मादरे वतन कहना और माँ कहकर उसकी पूजा करना, उसकी इबादत करना, ये इस्लाम में नहीं है। मैंने ये कहा है कि यह आस्था मेरे हिंदू भाइयों की है, तो मेरे हिंदू भाई जो टीचर हैं वो अपनी आस्था को मुसलमान बच्चों में ना डालें, और हिंदू पेरेंट्स सॉरी मुस्लिम पेरेंट्स जो भी हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी ऐसे इवेंट्स के मौके पर बच्चों को बताएं, सिखाएं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वो साफ मना कर दें, भाई ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हम नहीं करेंगे इस चीज को। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद कहें क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन अगर सीधे तरीके से देखा जाए, अगर कोई पाकिस्तान में बैठा हो या किसी भी दूसरे कंट्री में बैठा हो और वो थोड़ी बहुत उसको हिंदी समझ आती हो, तो भारत माता की जैसे तो उसको यही समझ आएगा कि कंट्री की बात हो रही है, मुल्क की बात हो रही है। उसमें से एक नई चीज निकाल के जो आप लेकर आए हैं वो गैर जरूरी नहीं लग रहा आपको कि आप बिना वजह में किसे कहते हैं कि इशू बना रहे हैं? देखिए इस पर जो है ये कोई आज आज पहली मर्तबा इस पर बात नहीं हुई है, इस पर बहुत मर्तबा बात हो चुकी है हिंदुस्तान में, इस पर और वंदे मातरम पर, ये दोनों चीजें ऐसी हैं इस पर बहुत बात हो चुकी है। देखिए जो आस्था के विरुद्ध चीज जाएगी, आस्था के खिलाफ जाएगी, उसके लिए बोला जाएगा, क्योंकि मेरे देश का संविधान मुझे ये भी कहता है ना कि आप अपने धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को जी सकते हो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है, और आपको पता है मुराजती देसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था, और ये एक जिसे कहें ना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत है। वो पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए, तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स, जैसे कि बाइडेन है तो वो चले तो वो एक दो तीन मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते, मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया महीने दो महीने पहले। सो अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड, पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे? जी मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बड़ी अहम बात बताऊँ आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे, जिसे कहते हैं ना अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे,
ठीक है, अंटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेज उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये होगी, ये पॉलिसी होगी कि वो करे। अब असल चीज तो यही है कि ये जो जिसे कहते हैं ना भारत के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पान कपूर साहब जो हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचे, उधर पहुंचे हुए थे, यूक्रेन पहुंचे हुए थे। तो याद रखें कि जब भी एक चीज जेन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मींस कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मींस कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मींस कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं जो ये जाके चेक करना चाहते हैं, और ये बेसिकली चाइनीज स्टाइल है, वैसे किसी हद तक अमेरिकन स्टाइल भी है कि जब आपके वजीर आजम ने वहां पे जाना हो तो वहां पे जाने से पहले जरा देखो तो सही भाई कि वहां पे बात क्या करनी है, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने। साढ़े वजीर आजम तो शौक है ना पाकिस्तानी वजीर आजम साहब कहते हैं यार जो मर्जी करो वजीर आजम किसी मुल्क का आ जाए हमारे पाकिस्तान में, यही बड़ी बात है, हम तस्वीरें खिंचा लेंगे। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, लंबी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी था, लेकिन बाद में पता चला कि देयर इज नथिंग टू टॉक एंड शेयर एंड थिंक, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। उन्होंने फिर लैवरोव तब भी फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा तुम चले जाओ मैं नहीं जाता। सो बहुत सारे ऐसे वजीर आजम एंड सदर होते हैं जो समझते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं हमारी लीडरशिप चली जाती है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकली दिखाना होता है। मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कर रहा था तो वो हमें बता रहे थे कि एक वक्त था कि जबूती के वजीर आजम आई थिंक पाकिस्तान आ गए, बहुत पुरानी बात है 60-70s में, कोई आता नहीं था पाकिस्तान, तो हमने उसको भी सर पे उठा लिया। तो हमारे यहाँ तो फिर डिफरेंट ही चीजें चलती हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब का जो ये जो दौरा है यूक्रेन का, ये पहली दफा हो रहा है जारी बात है जब से जंग शुरू हुई है, और मोदी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा रोना पिटा डाला था कि भाई इधर यूक्रेन के अंदर जो है वो बच्चे मारे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके जफियां डाल रहे हैं वहां पे एंड ऑल दैट, ये चीजें वो कह रहे थे। एंड देन मैं भी देख रहा था कि जो जो पोलैंड है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये पता चला है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर भी बढ़ती जा रही है, इंडियन इन्वेस्टमेंट नॉट पोलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है जी। सुनने में आया कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है पोलैंड के अंदर दैट इज अबाउट $3 बिलियन, ये $3 बिलियन की है, और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं ये एस्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर। इस्लामिक स्टेट बनाने का जहां तक मामला है, देखिए आज हमारे हिंदू भाई चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। एक बागेश्वर धाम है, आपने सुना होगा उनकी बात को कई बार, वो कहते हैं तुम मेरा साथ दो मैं इसको हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। भाई एक हिंदू की जब आस्था ये हो सकती है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो मुसलमान भी ये सोच सकता है कि इस्लामिक स्टेट बन जाए, मुसलमान मुल्क बन जाए। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि मुसलमान ने तलवार उठा ली कि लाओ सबकी गर्दनें काटूंगा फिर इसको जो है इस्लामिक स्टेट बनाऊंगा। इस्लामिक स्टेट बनाने की सोचना ये संविधान के खिलाफ नहीं है।